तो दोस्तों जैसा कि हम पहुंच गए हैं अब मेरे गांव में, ये देख लो मेरे गांव का है, अपने आप को सैनिटाइज कर लिया मैं दोस्त के साथ जाके, नहा नो के रेडी होके बिल्कुल फ्रेश होके आ गया हूँ पूरा सैनिटाइज करके, क्योंकि सीधा जा रहा हूँ इतने दिन बाद मैं घर पे, तो सैनिटाइज करना ज़रूरी था। सैनिटाइज करके नहा के रेडी होके और अब आ गया हूँ मैं अपने गाँव के पास। ये देखो मेरा गाँव का ये मेन गेट है और अब यहाँ से होगा मेरा घर, ज़्यादा नहीं तो नहीं ज़्यादा है 500 मीटर 500 मीटर होगा यहाँ से मेरा घर, और दिखाऊंगा आपको घर में जाते थे कि अभी तक तो नहीं पता चला है। मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन कर लिया है, फ़ोन करके पूछा कहाँ पर हो, घर पर ही है। उनको मैंने ऐसे ही किसी काम से बोला कि कहाँ पर हो, तो मैंने कहा ठीक है कोई डाक वाला आने वाला है आपको डाक देने के लिए तो घर पर ही रहना, तो उनको पक्का कर दिया वो घर पर ही मिलेंगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पहले ही कन्फर्म कर लिया कि वो घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने बोला घर पर रहना क्योंकि एक डाक देने वाला आने वाला है तो वो डाक देगा। ये मेरे गाँव के आसपास का नज़ारा देख लीजिए, इधर गौशाला है, 0 किलोमीटर और 0 किलोमीटर आ गया मेरा गांव। तो अब तो दोस्तों चलते हैं फिर, चले चलो अब यहाँ से जाएंगे हम घर पर। और हाँ, कईयों को ये गलत फहमी हो रही है, मैंने कल के वीडियो में बोल दिया था कि भाई बच्चों को भी नहीं पता, बच्चे मतलब मेरे बच्चे नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रखी है, मेरे भाई साहब के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब उनको भी नहीं पता ऐसा बोला था मैंने, मेरे बच्चे नहीं है पर्सनली, ठीक है। और आज आपको मिला दूंगा मेरी मम्मी से, सरप्राइज अभी तक बिल्कुल बरकरार है क्योंकि मैंने पता कर लिया है फ़ोन करके। तो दोस्तों देखते हैं आगे, आ जाओ देखते रहना फिर बताना कैसा लगा सरप्राइज। ओके रेडी रेडी चलो चलो रूबी गो, ओके गो, चलो मिलते हैं। ठीक है ना जी, सरप्राइज ठीक है, सरप्राइज ठीक है।